नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर ग्रेविटेशन। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल्सो हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ वी विल सी व्हाट इज फ्री फॉल। सो इफ़ एनी थिंग इज जस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट, उसको फेंका ना जाए ग्राउंड की तरफ, सिर्फ छोड़ दिया जाए। इफ एनी थिंग, जैसे एप्पल पेड़ से गिरता है तो वो जस्ट टूट के गिर जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। इफ एनी थिंग इज जस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट, then it falls down or moves towards center of earth, then it falls down under gravitational force या under gravity। ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज, अगर अर्थ पर तो सब तरफ कहीं पर भी लोग रहते हैं, लोग चारों तरफ ही रह सकते हैं क्योंकि सेंटर सबको अट्रैक्ट करता है। सो अगर कोई भी चीज यहाँ से छोड़ दी जाए तो इसके सेंटर की तरफ ही आएगी, सेंटर तक पहुँच नहीं पाएगी, लेकिन ये इट मूव्स टूवर्ड सेंटर, तो यहाँ आएगी और यहाँ तक गिर जाएगी, तो यहाँ पर गिर जाएगी। यहाँ से भी छोड़ दी जाए, किसी भी हाइट से छोड़ दी जाए, देन ऑल्सो इट मूव्स टूवर्ड सेंटर, वो इधर से ऐसे आएगी, तो उसको जस्ट रिलीज करना है। अगर मान लीजिए इस पर कोई एक ऐसे पेड़ है और इसमें कोई एप्पल गिर गया, तो एप्पल अगर गिरेगा तो भी वो सेंटर की तरफ ही आएगा, ये नहीं है कि सिंपली गिर जाएगा। तो एप्पल जो भी है उसको आप इसके सेंटर से मिलाइए, तो वहीं पर आएगा, वो उधर गिर जाएगा। उसी तरीके से ये जो ट्री है उसी तरीके से होगा, और ये एप्पल हमेशा सेंटर की तरफ आएगा। मान लीजिए ये एक ट्री है और ये इट विल फॉल टूवर्ड सेंटर, एवरीथिंग विच इज रिलीज विल मूव टूवर्ड सेंटर। सो दिस इज ए कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। नाउ वी विल कैलकुलेट की शुरू में तो इसकी स्पीड जीरो होती है जब भी कोई चीज फ्री फॉल होती है, लेकिन जब किसी भी चीज पर फोर्स लगता है, जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने का मतलब है कि फिर उसमें एक्सीलरेशन लगेगा, क्योंकि F इज इक्वल्स टू एम ए, तो इसका मास m है और अर्थ का मास कितना होगा, अर्थ का मास है एम ई और ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और साथ ही साथ ये अर्थ का रेडियस कितना होगा, अर्थ का रेडियस है आर ई, जो कि 6400 किलोमीटर है, दैट इज आर ई इज इक्वल्स टू 6.4 × 10⁶ मीटर। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, तो उसमें अगर कोई चीज एक मीटर ऊपर से गिरती है तो 1 मीटर जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली दिस इज ओनली द प्रोमिनेंट फिजिकल क्वांटिटी, सो 6.4 और उसके आगे 50 और लगाओ तब ये बनेगा। मास ऑफ अर्थ वो कितनी है, 6 × 10⁴ kg, ये चीज है। तो अब यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके सेंटर से इसके सेंटर की बीच की दूरी r e ही ले लेते हैं। वैसे इससे इसके बीच की दूरी r e प्लस h है, क्योंकि ये हाइट h है, बट h इज सो स्मॉल दैट अगर आप आर ई में जोड़ें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए 1 मीटर हुई आर ई, ये एच, तो हम सोचें टोटल डिस्टेंस लें ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएं। ऐसा हम क्यों सोचें, क्योंकि अगर एक मास एम है और एक अर्थ है,
सो दिस इज मान लीजिए अर्थ है, अर्थ इसकी तुलना में बहुत बड़ी होगी और ये अर्थ का सेंटर है, तो हमें ये बात मालूम है कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो ये अर्थ का सेंटर है, ये आर ई है और ये बहुत थोड़ी सी 1 मीटर या 2 मीटर से कोई चीज गिरेगी ज्यादा से ज्यादा, तो हम जनरल केस ले रहे हैं, बहुत बहुत ऊंचे मंजिल से गिरेगी तो भी 20 मीटर से गिरेगी, क्योंकि 3 मीटर पे एक मंजिल होती है, और इसका ये जो अर्थ है इसका मास एम ई हुआ और ये ऑब्जेक्ट का मास है, तो ये इस पे गिर रही है। तो जो फोर्स ऑफ इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम वैसे तो डी लिख रहे हैं क्योंकि डी स्क्वायर यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी सेंटर से सेंटर तक की, लेकिन ये डी है क्या, ये जो डी है सेंटर से सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस है, ये डी यहां पर आर ई प्लस एच है क्योंकि एच हाइट पर भी तो कोई ऑब्जेक्ट है जब ये गिर रहा है। सो आप देख लीजिए अगर मैं डी का कैलकुलेशन करूं तो डी क्या होगा, 6400001234, एक और जीरो, ये तो रेडियस है, देखो रेडियस है इसी में 5 जीरो और लगाओ, 1 जीरो तो डेसिमल ही हटा देगा। अब कोई चीज 2 मीटर और है, 2 मीटर ऊंचाई से गिर रही है, से इट इज 2 मीटर, तो इसमें क्या होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मीटर। तो इसलिए इस चीज को नेगलेक्ट ही कर दिया जाता है और ये मान लिया जाता है, क्योंकि इसके होने ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज द प्रोमिनेंट क्वांटिटी। सो इसलिए इसको सिंपली छोड़कर हम अप्रोक्सीमेटली यही कह देते हैं कि दिस इज ओनली 6400000 मीटर एंड इट इज डी इज नथिंग बट आर ई, क्योंकि 1-2 मीटर ऊपर होने से कुछ फर्क नहीं है, तो हमने उसे डी को आर ई ही मान लिया है। तो हम डी की जगह आर ई ही लिख लेते हैं जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एच एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर ई, सो एच कैन बी निगलेक्टेड, इसको कहते हैं बहुत बहुत छोटा है, लोअर देन एक होता है लेसर देन, और दो लगा दो तो वेरी वेरी लेस देन, सो हाइट इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, सो एच कैन बी सिंपली ड्रॉप्ड, इसे छोड़ा जा सकता है। सो जो फोर्स है, फोर्स का एक फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है, कोई भी चीज जब फ्री फॉल कर रही है तो ये इधर की ओर आ रही है, तो कोई भी चीज गिरेगी तो अप्रोच करेगी अर्थ को, तो उस पर जब एक अप्रोच करेगी तो एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स जो भी होगा उस फोर्स का एक फार्मूला तो ये है और दूसरा फार्मूला एम ए है, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से है, तो मैंने एक तरफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाया और दूसरी तरफ ये लगा दिया, जी एम एम ई अर्थ का मास एंड ऑब्जेक्ट का मास और उनके बीच की डिस्टेंस जिसको कि हम आर ई कह रहे हैं, तो आर ई का स्क्वायर। अब यहां देखिए, सो इट इज बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड दैट इज बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने दोनों लगा दिया, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज फ्रॉम, दोनों ही फोर्स ही हैं, फोर्स का ही फॉर्मूला लगा, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ऐसे केस में यहां पर जो ए है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज ऑल्सो डिनोटेड बाई जी, ग्रेविटी भी कहा जाता है, तो हम इस ए को जी से डिनोट करेंगे, स्पेशली ग्रेविटी के केस में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को ए ना कह के जी कहते हैं। सो ग्रेविटेशनल है तो एक्सीलरेशन यही लग रहा है, बट इसे हम जी से डिनोट करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाई जी, सो रिप्लेसिंग ए बाई विद जी, ए को जी से रिप्लेस कर दो, है वही चीज,
और मास को मास से कट कर दो क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास है, तो और ए को जी से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ बचेगा जी, और उस साइड क्या बचेगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। सो ये कहा जाता है कि डिराइव द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये बात कही जाती है। तो ये पूरा इतना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसके टर्म्स में निकालो, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको ये डिराइव करना है, ऐसे ही डिराइव करना जैसे मैंने किया, रेडियस ऑफ अर्थ ये हो गया। ये जो भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ये अर्थ के लिए है, मून में कुछ और वैल्यू होगी, हमने यहाँ अर्थ के लिए काम किया है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब अलग क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ, अर्थ में इसकी वैल्यू कितनी होगी। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी by using formula g is equals to g m e by r e square। इसको use करते हुए कह रहा है कि अब इसकी value भी निकालो, इसकी value 9.8 meter per second square होती है क्योंकि g acceleration है, और इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। now सो सॉल्यूशन इसको कैसे निकाला जाए, जी इज इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू सारी वैल्यू डाल दीजिए 6.67, सो इंटू 10 to the power 11, बुक में 6.7 ही लिया गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो जो बुक में लिया है हम भी 6.7 ही ले लेते हैं, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। सो 6.7 एम ई मास ऑफ अर्थ 6 × 10 to the power 24, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 × 10 to the power 6, फिर इसका स्क्वायर भी करना, स्क्वायर जरूर करिएगा। अब इसी को 6.7 × 6 upon 6.4 × 6.4 स्क्वायर है, इसलिए दो बार लिख रहा हूँ, इंटू 10 to the power 11 plus 24, और नीचे 6 का स्क्वायर पावर इन पावर होती है तो प्रोडक्ट हो जाता है, तो इसलिए 10 to the power 12 हो जाएगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ एक डेसिमल से यहाँ का एक डेसिमल हटाया जा सकता है, और यहाँ का एक डेसिमल हटा के यहाँ जीरो बढ़ाया जा सकता है, ऐसा करते हैं। इन दोनों को ही 4 से कट किया जा सकता है, तो 4 से कट करो तो यहाँ 4 1 जा 4 4 5 जा 20, 4 से इसको कट करो तो 4 1 जा 4 and 4 6 जा 24, ये हो गया। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो हियर मल्टीप्लाइंग तो इट इज 67 × 15, और नीचे 16 × 64 × 10 to the power 35 − 12, तो यहां पर 12 हो गया। नाउ
यहाँ एक गड़बड़ हुई है कि ये 11 ना होके माइनस 11 है, तो माइनस 11 को माइनस 11 रखिए। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा, सो 13 यहाँ आएगा और 12 ये आएगा, तो इसको 13 कर लें। सो इट इज 13 माइनस 12। अब जरा देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, 67 इंटू 15, सो यहाँ 10 कैरी हो गया, 15 से 6 को करें तो 15 6 या 90, तो 100 हो गया। सो ऊपर की ओर 1005 आ गया और नीचे 64 में 16 का मल्टीप्लाई करें, 16 4 या 64 एंड 16 6 या 96, तो 96 में 6 ऐड कर दो तो 102, तो 1005 और 1024 आ गया, 1005 और 1024 इंटू 10 टू द पावर 1 आ गया। 1 है तो इसमें आप इसे क्या कर सकते हैं, 10050 10 से मल्टीप्लाई कर लें और 1024 ऐसा कर लें। ये चीज अब 2 से कट हो जाएगी, तो 2 से अगर कट हो जाएगी तो 5025 और नीचे भी कट हो जाएगी तो 512, तो अब 512 और 5025 आ गया, 512 से 5025 को डिवाइड करें तो 9 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 5120 तो नहीं है, 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 टू या 18, 9 वन या 9 एंड 10, 9 फाइव या 45, सो इट इज 9 टू या 18, 9 वन या 9 और 10 एंड 9 फाइव या 45 एंड इट इज 46। ये चीज आ गई तो उसका कैरी उस पर चला गया। अब इसके बाद 15 है तो यहाँ 7 1 और यहाँ पर बचेगा 4, फिर 0 लगा दें। अब ये एक 0 लगाया है तो यहाँ डेसिमल लगाया तो 0 लगा दिया, फिर 8 टाइम्स ले जाइए, देखिए 8 टाइम्स जा भी सकता है, नहीं तो 7 टाइम्स जाएगा, 8 टू या 16, 8 वन या 8 एंड 9, 8 फाइव या 40, तो ये चला गया है। तो इस तरीके से 4096 तो लगभग लगभग चला गया है, थोड़ा बहुत बच रहा है, यहाँ 4 बचेगा, फिर यहाँ पर 17 है तो इससे ये कैरी ले लेगा 16, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, फिर 0 लेंगे तो 1 और आ जाएगा, डेसिमल लगाने पर, डेसिमल तो लगाइए, 0 लेने पर 9.81 आ जाएगा, क्योंकि 512 से फिर चला जाएगा। तो इस तरीके से 9.81 है तो 9.8 ही लेते हैं इसको, सो इट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है इसलिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई। सो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फॉर अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना होगा कि what does it mean? देखिए, जैसे कोई भी चीज गिराई जाती है तो अगर फ्री फॉल होगा तो उसकी स्पीड 0 होगी, और फिर अगर किसी हाइट से आपने गिराई तो गिराने पर 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड में किसी भी चीज की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हर सेकंड उसकी स्पीड इतनी बढ़ जा रही है, तो 1 सेकंड में जितना भी गिरेगा तो अब उसके बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 1 सेकंड का पीरियड है, ये चीज गिरती जा रही है, तो ये इसके बाद इस यहाँ पे u 0 है, फिर इसके बाद अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 1 सेकंड बाद, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई।
अब इस स्पीड से गिर रहा है, पहले जीरो से गिर रहा था तो थोड़ा गिरेगा, अब इस स्पीड से गिर रहा है और अभी भी एक्सीलरेशन लग ही रहा है, ये एक्सीलरेशन है, तो अब ये ज़्यादा गिर जाएगा, ज़्यादा गिर जाएगा, और फिर 1 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड, अब वन अगले 1 सेकेंड में, तो अब इसकी जो वी टू होगी वो 9.8 और बढ़ जाएगी, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद उसमें 9.8 का और चेंज होना चाहिए, यही तो एक्सीलरेशन होता है, तो इसमें इतने का और चेंज हो गया। अब ये फिर इतना गिरते गिरते इतना और गिर गया, 1 सेकेंड में इतना गिरा था, अगले में देखो कितना गिर गया, फिर अब इसके बाद अब इस स्पीड से गिरेगा, तो यहाँ गिरने पर फिर अब इसकी स्पीड फिर 9.8 हो जाएगी, लेकिन अब और ज़्यादा गिरेगा, जितना गिरा है उससे ज़्यादा गिर जाएगा, तो ये फिर और गिर रहा है, और फिर 3rd सेकेंड में, यानी आफ्टर 3 सेकेंड इट विल बी, फिर इसमें 9.8 जोड़ दो, तो 8 और 6 कितना होता है 4, सो इट इज 27.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पता चलता है आपकी बुक का ये कि पहले सेकंड में जितना गिरेगा दूसरे सेकंड में उसका 3 गुना गिरेगा और तीसरे सेकंड में उसका 5 गुना, ये तो डिस्टेंस हुई। हाँ, स्पीड कैसे कैसे बढ़ेगी, स्पीड 1 सेकंड बाद 9.8, दूसरे सेकंड बाद 19.6 एंड 3rd सेकंड, आफ्टर 3rd सेकंड इट विल बी 27.4, 9.8 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द स्पीड एडेड सब्सिक्वेंटली, मीटर पर सेकेंड कर लो क्योंकि ये स्पीड है, तो हर सेकेंड इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, कितनी बढ़ती चली जाएगी, हर सेकेंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड और बढ़ती चली जाएगी, और पहले सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा दूसरे में 3 टाइम्स, तीसरे में 3 साइड, उसको हम जो काइनामेटिक इक्वेशन है उससे करके दिखा देंगे, बुक का क्वेश्चन भी है कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन स्पीड बढ़ती चली जाएगी, कोई बहुत ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि उसका सर नारियल की तरह फट जाएगा, और कोई कुर्सी से कूदेगा तो नहीं मरेगा क्योंकि उसको उतना एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा। हाउएवर अंडर फ्री फॉल कंडीशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एंड आफ्टर ईच सेकेंड इट इज इंक्रीज्ड बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो अंडर फ्री फॉल कंडीशन कोई भी चीज गिर रही है, और फ्री फॉल कंडीशन ना भी हो, आप जमीन की ओर कोई चीज थ्रो कर रहे हो तो भी ग्रेविटी लगेगी, उसमें भी स्पीड बढ़ेगी। कंडीशन स्पीड ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ईच सेकेंड, हर सेकेंड में इतनी स्पीड और बढ़ जाएगी आफ्टर ईच सेकेंड। आप कहीं से भी देखना शुरू करो, जितनी भी उसकी स्पीड देखोगे 13 सेकेंड में जितनी देखोगे 1 सेकेंड बाद उसकी 9 पॉइंट और हो जाएगी 9.8, तो यही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज अगर ग्रेविटी में गिर रही है तो हम उसके क्वेश्चंस कैसे करें। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो जो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन के ही लॉज ऑफ मोशन है और ये न्यूटन का ही चैप्टर है ग्रेविटी, तो वही मोशन जो काइनामेटिक इक्वेशंस हैं जो यूज होते हैं वही यूज इसमें भी हो जाएंगे। नाउ द इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर व्हाट, सो एस इज इक्वल्स टू, सो दैट इज काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर
आर वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. सो इफ एनी थिंग इज फॉलिंग या अप्रोचिंग टूवर्ड्स अर्थ देन ए इज रिप्लेस्ड बाई प्लस जी. इफ एनी थिंग इज मूविंग अपवर्ड देन ए इज रिप्लेस्ड बाई माइनस जी. सिर्फ इतना ही करना है. जी की वैल्यू 9.8 है. जी निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, तो जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखें. बट एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है. जब कोई चीज ऊपर जाएगी तो डेसिलरेट करेगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी, और किसी हाइट तक पहुंच के वो रुक भी जाती है. जब बॉल ऊपर फेंकते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो बहुत तेज होती जाए और फिर सैटेलाइट की तरह और फॉर यूनिवर्स की तरफ चली जाए, ऐसा तो नहीं होता है. वो धीरे धीरे ऊपर जाते हुए धीमी होती जाती है और फिर लौट आती है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है और ये डेसिलरेशन है. सो यहाँ पर आप लिख लें कि जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसलिए जी पॉजिटिव है तो हमें अपनी तरफ से निगेटिव लेना पड़ेगा. वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स ग्रेविटी देन ए इज रिप्लेस्ड बाई प्लस जी, एंड वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, एक है डाउनवर्ड ग्रेविटी की तरफ तो प्लस जी ले लेना, और अपवर्ड जा रही है तो माइनस जी ले लेना. वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड तो वो चीज एक्सीलरेट होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे काम करती है. डाउनवर्ड ए इज रिप्लेस्ड बाई प्लस जी. प्लस जी का मतलब सिर्फ 9.8 रख देना. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड देन ए इज रिप्लेस्ड बाय माइनस जी. तो इस तरीके से होगा, अपवर्ड में डेसिलरेट करेगी. नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल 10.2. Which says that a car falls from a ledge and drops to ground in 0.5 second. So, किसी हाइट से गिरती है और ग्राउंड में 0.5 second में गिर जाती है. Let g is 10 meter per second square. What is its speed on striking the ground? तो इसकी क्या स्पीड होगी अगर वो 0.5 second में गिर जाती है, एक फ्री फॉल की कंडीशन है. What is its average speed during 0.5 second? तो हमें average speed कैसे निकालनी होगी? Initial speed तो 0 है. Final speed निकालेंगे तो initial plus final by 2 कर देंगे, u plus v by 2, उससे average speed आ जाएगी. How high is the ledge from ground? और उस ledge की ground से height क्या है? तीन चीजें पूछी गई. So it has been given that there is a ledge and car falls from the ledge. So car is falling from a ledge towards ground. So ground की ओर इस तरीके से car गिर रही है. And there are something which is needed to be सॉल्व. क्या क्या चीज पूछी गई है? पहला तो ये पूछा गया है कि इसकी हाइट क्या है. एक तो हाइट पूछी गई है, लेज की हाइट क्या है. दूसरी चीज क्या पूछी गई है कि जब ये गिरेगी तो यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, एक ये चीज पूछी है. और तीसरी चीज पूछी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है जबकि इसकी इनिशियल स्पीड जीरो थी.
और फाइनल भी हमें पता लगानी है, और ये दिया गया है कि जो टाइम लिया जा रहा है वो 0.5 सेकंड है, और जी क्योंकि नीचे गिर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब ऊपर कोई चीज़ जाएगी तो माइनस जी ले लेंगे फार्मूले में। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है स्पीड क्या है, तो दैट इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन जी टी लिखिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा जब नीचे जाएगी देन ए इज रिप्लेस्ड बाय जी। नहीं भी लिखोगे ए ही लिखोगे तो भी आप उसकी वैल्यू डाल सकते हो, बट इट इज बेटर क्योंकि आगे के क्लासेस में आपको ए को जी से रिप्लेस करना होगा, ये फ्री फॉल कंडीशन है। सो यू वी इज इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल स्पीड जीरो है, 0 मीटर पर सेकेंड, जी कितना दिया है 10, और टाइम ऑफ फॉल कितना है 0.5 सेकेंड। सो वी इज इक्वल्स टू 10 × 5 = 50, और डेसिमल भी लगेगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड। सो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इट्स स्पीड विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, तो पहली चीज हो गई। इट्स फाइनल स्पीड जस्ट बिफोर कोलाइडिंग टू ग्राउंड इट्स स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है वी एवरेज, तो वी एवरेज होता है यू प्लस वी बाई टू। तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे? इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 5 है अपॉन 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 5/2, दैट इज इक्वल्स टू 2.5, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड हुई। तीसरी बात कही गई है कि हाइट क्या होगी। सो थर्ड पार्ट में जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उससे भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर दूसरा टाइम इंटू एवरेज स्पीड से भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से दिखाता हूँ। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर की जगह जी टी स्क्वायर लिख दो क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, और कुछ लोग तो s की जगह h भी लिख देते हैं क्योंकि हाइट पूछी गई है, तो हाइट की जगह h भी लिखा जा सकता है। इनिशियल स्पीड 0 थी, टाइम ऑफ फॉल कितना था 0.5 सेकेंड, हाफ जी 10 दिया है और 0.5 इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ तो 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, 2 से इसको कट कर दो तो 5 आ गया। सो 5 × 5 = 25, और 2 डिजिट पहले डेसिमल भी लगेगा तो 0.25, 5 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए तो 125, लेकिन 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा वो भी राइट से, तो इट इज़ दिस मच मीटर। ये तो पहला तरीका हुआ कि हम ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है तो 2gs लिख लो, s की जगह h भी लिखा जा सकता है। V हमको पता है, V कितना था फाइनल स्पीड 5, तो 5² 0² + 2 × 10, हाइट तो हमें नहीं पता है, हाइट का पता करना है तो S को पता करना है। 5² होता है 25, इट इज इक्वल्स टू 20, 10 × 2 = 20 इंटू एस तो 20s, तो S क्या हो जाएगा 25/20। अगर दोनों को 5 से कट कर दिया जाए तो 5 × 5 = 25 and 5 × 4 = 20, इट इज 5/4, सो s इज इक्वल्स टू 5/4, और अगर हम 4 से 5 में डिवाइड कर दें तो 4 × 1 = 4, फिर 1 बचेगा डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देना, तो 4 × 2 = 8, फिर 2 बचेगा डेसिमल लगा ही हुआ है, सो 4 × 5 = 20, तो इस तरीके से 1.25 हो गया। सो s इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर।
लेकिन कुछ लोग अगर इस तरीके से न करना चाहें कि कितनी हाइट से वो गिरी है कार, तो उनके लिए दूसरा मेथड है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी एवरेज, की एवरेज स्पीड क्या थी इनटू टाइम, इससे भी किया जा सकता है। तो चूंकि वी एवरेज कितनी थी 2.5 और टाइम उसने लिया 0.5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इट इज इक्वल्स टू 125 और टू डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। तो बुक में ये थर्ड मेथड अडॉप्ट किया गया है, बाकी किसी मेथड से आप कर सकते हैं। तो इसलिए द हाइट ऑफ लेज इज 1.25 मीटर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ लेज इज 1.25 मीटर। इस तरीके से हमने हाइट निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 10.3 में क्या कहा गया है? सो क्वेश्चन नंबर 10.3 सेज दैट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ऊपर फेंकते हैं तो 10 मीटर तक जाता है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड एंड द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट, तो वो हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में उसे कितना समय लगा और वो किस स्पीड से फेंका गया था, जबकि 10 मीटर ऊंचाई तक वो पहुंच गया है तो किस स्पीड से फेंका गया था और कितना समय लगा, दो चीज पूछी गई। अब देखो चीज ऊपर फेंकी जा रही है, तो हमने कहा था ऊपर फेंकी जाएगी तो ए को माइनस जी लेना। सो क्वेश्चन नंबर 10.3, नाउ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तो यहां से उसको अपवर्ड फेंका गया तो ऊपर जाते जाते वो यहां पहुंच जाएगा वैसे। तो अगर ऊपर चला जाएगा तो ये भी बताया गया है कि कितनी इसकी हाइट है, दैट इज h इज इक्वल्स टू 10 मीटर। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, फाइनल स्पीड, क्योंकि वहां के बाद तो फिर ये लौटना शुरू कर देगा ना। अगर और स्पीड होती तो और ऊपर जाता, लेकिन अब उसकी स्पीड ही खत्म हो गई तो फिर ग्रेविटी उसे खींच लेगी। अच्छा u कितना है वो पूछा गया है कि किस स्पीड से फेंका गया, और ये भी पूछा गया है कि इसे कितना समय लगा ऊपर पहुंचने, दो चीज पूछी गई है, जबकि ये ऊपर जा रहा है। तो जब कोई चीज ऊपर जा रही है तो हम निकाल लें v क्या है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्पीड से फेंका गया, तो v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी लिख रहा हूँ, चेक करिएगा, क्योंकि माइनस लेना पड़ेगा और 9.8 लेंगे g की वैल्यू, इसमें जब ना दी गई हो g की वैल्यू तो 9.8 ही लीजिए, क्योंकि हमने कैलकुलेट की है वही इसकी सही वैल्यू है। जब दे रहा है 10 सिंप्लिसिटी के लिए तभी 10 लेना, अदरवाइज लेने से गलत हो जाएगा। तो हम फाइनल स्पीड, इसकी फाइनल स्पीड जीरो रख दें, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी फाइनल स्पीड क्या है, जीरो, और शुरुआती इसका शुरुआती वेग क्या है, शुरुआती स्पीड क्या है वो तो पता ही नहीं है, और माइनस 9.8 इनटू टाइम, तो हमें टाइम भी नहीं पता है, इसलिए हम इस फार्मूले को नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में दो चीजें अननोन है, हम दूसरा कुछ फार्मूला यूज करेंगे जिसमें टाइम की जरूरत ना पड़ती हो, जिसमें एस यूज हो जाए तो वो चीज यूज करेंगे। सो दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन प्लस 2as नहीं लिखना है, माइनस 2as, क्यों, माइनस 2gs ऐसे लिखना, क्योंकि चीज ऊपर फेंकी जा रही तो ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव हो जाएगा, उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो निगेटिव हो जाएगा। फाइनल स्पीड हमको पता है जीरो है, इनिशियल स्पीड का हमको कुछ पता नहीं है, तो 2 × 9.8, अच्छा हाइट कितनी उसने अटेन की 10 मीटर, तो ये सारी चीजें 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 19.6 होगा, और 19.6 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 196 हो जाएगा, और 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 196 आ जाएगा। 196 को इधर ले आओ तो 196 जब इधर आएगा इट इज यू स्क्वायर, एंड यू क्या हो जाएगा फिर,
रूट 196 टेकिंग पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन नहीं लिया, सिर्फ पॉजिटिव साइन रूट का लिया है, तो 14 इंटू 14 ये 196 होता है, 14 का स्क्वायर है 196, सो इट कैन बी रिटन एज 14 इंटू 14, तो चीज़ें जोड़े में हैं, तो जब इससे बाहर आएंगे स्क्वायर रूट से तो 14 बच जाएगा, तो 14 मीटर पर सेकेंड, द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद एन स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद एन स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज पूछी जा रही है कि उसको कितना समय लगेगा। अब इसके बाद अब हमको यहाँ पर u भी पता चल गया है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दीजिए, टाइम भी पता चल जाएगा। v इज इक्वल टू u प्लस 80 मत लगाना, प्लस 80 ठीक है, माइनस जी टी लगाना। जब चीज़ें ऊपर फेंकी जाएं तो a को माइनस जी से रिप्लेस करो, जब नीचे आए तो प्लस जी से, अपवर्ड में माइनस जी, डाउनवर्ड में प्लस जी। तो देखो v कितना है, 14, v 14 नहीं है, v 0 है, क्योंकि फाइनल स्पीड तो 0 है जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, और इनिशियल स्पीड कितनी है 14, माइनस 9.8 इंटू टाइम, ऐसे कर लो तो ये उधर चला जाएगा, 9.8 टी इज इक्वल्स टू 14, सो टी क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी 14 अपॉन 9.8। अगर ये डेसिमल हटा दिया जाए तो ऊपर जीरो बढ़ सकता है, तो 140/98 है, और अगर इसको 2 से कट कर दो तो 70, और 2 से इसको भी कट कर दो तो दैट इज 49, लेकिन ये फिर 7 से भी कट हो सकते हैं, तो 10 और यहाँ से आ जाएगा 7। अब 7 से 10 में डिवाइड करो, 7 1 जा 7, सो इट इज 3, 7 4 जा 28, फिर 20, सो 7 2 जा 14, फिर 6 बच जाएगा, तो 7 8 जा 56, तो 1.428 है। आप इसे 1.43 भी लिख सकते हैं, 8 को ड्रॉप करोगे क्योंकि 5 से ज़्यादा है, तो इसकी राउंडिंग ऑफ होके 1.43 हो जाएगी। सो टी इज इक्वल्स टू 1.43 सेकेंड। सो द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, दिस द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू रीच दैट हाइएस्ट पॉइंट इज 1.43 सेकेंड, ये लिखना होता है स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू रीच हाइएस्ट पॉइंट इज 1.43 सेकेंड। तो ये दो चीजें जो पूछी गई थी वो सिंपली हमने काइनामेटिक इक्वेशन लगाई। बस इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि नीचे आए तो प्लस जी, ऊपर आए तो माइनस जी, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है। नाउ देयर आर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 136, फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, सो द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, सो व्हेन बॉडी इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट
टूवर्ड्स द अर्थ देन इट मूव्स टूवर्ड्स अर्थ, इट मूव्स टूवर्ड्स अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। वास्तव में वो अर्थ के सेंटर की ओर चलती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, या फिर इसे ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को। इट इज कॉल्ड फ्री फॉल एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। उस पर कोई और दूसरा फोर्स ना लग रहा हो, उसको फिर से और कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट अदर देन ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। उसको फ्री फॉल की सिचुएशन कहेंगे। सेकेंड इज वॉट डू यू मीन बाई एक्सीलरेशन डू यू बाई ग्रेविटी, वॉट डू यू मीन बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Now, when an object is dropped from some height, when an object, जैसे कि ऊपर भी दिखाया गया, is dropped from some height, तो क्या होता है? Its velocity increases at constant rate. इसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ती चली जाती है। Its velocity increases at constant rate. Now, in other words, when an object is dropped from some height, a uniform acceleration is produced and a uniform acceleration is acting on it, which pulls the object towards the center of Earth. Which pulls the object, वैसे तो सेंटर तक जा ही नहीं पाएगा, सरफेस पे टकरा के रुक जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी उधर ही होगी। Which pulls the object towards center of earth, क्योंकि जो भी फोर्सेस लगते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंटर टू सेंटर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं और उन पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है, सेंटर से सेंटर को मिला लो, ये इससे इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो सेंटर टू सेंटर है। जब कोई भी चीज़ अर्थ की ओर गिरती है, जैसे एक सेब एप्पल गिरा, तो एप्पल के गिरने से अर्थ भी एप्पल की तरफ आती है, लेकिन इतना थोड़ा आती है क्योंकि 10 न्यूटन 20 न्यूटन अगर फोर्स एप्पल पे लग रहा है तो उसके लिए बहुत है, वो तो उसको गिरा देगा। लेकिन 20 न्यूटन फोर्स अगर अर्थ पे लग रहा है तो उसने फोर्स से अर्थ बहुत कम हिल पाएगी, हमें दिखेगा ही नहीं उस पर एक्सीलरेशन क्या हुआ है, क्योंकि 20 न्यूटन फोर्स इतनी बड़ी अर्थ के लिए बहुत थोड़ा है, जबकि एक एप्पल के लिए 20 न्यूटन फोर्स बहुत ज़्यादा है। और एक पर्ल ले लो मोती, उस वो तो उस मोती को उछाल के ही रख देगा, वही 20 न्यूटन फोर्स पत्थर पे लगाओ कुछ नहीं होगा। तो मास पे भी निर्भर करता है, फोर्स इक्वल लग रहा है लेकिन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन फिर कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ही फोर्स है। सो द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मूव्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स सेंटर,
एंड दिस एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो भी चीज है अर्थ की ओर गिरेगी, एक किलो की चीज, दो किलो की चीज या दस किलो की चीज, सबको वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगाती है और हर सेकेंड बाद सभी ऑब्जेक्ट्स की स्पीड इतनी बढ़ती चली जाती है। दिस एक्सीलरेशन, क्योंकि मास कैंसिल आउट हो गया था, हमने देखा था जब फार्मूला कैलकुलेट कर रहे थे, तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता। एंड जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी और एम ई अपॉन आर ई, तो इसलिए मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। दिस एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है, जो कि जी इज इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, यही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। डज नॉट, तो इसमें मास कहाँ है, ये तो एक्सीलरेशन है, सो ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक एप्पल को छोड़ दो किसी बहुत 20 स्टोरी बिल्डिंग से और आप भी कूदो, तो दोनों एक साथ ही ग्राउंड पर आओगे, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा कि एप्पल है या हम हैं या बड़ा पत्थर है, सब एक ही स्पीड से आएंगे। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी, द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो ये जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। दिस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। And it is always directed towards center of earth and it is always directed towards center of earth। तो ये earth की ओर हमेशा directed रहता है। Now, what we mean by weight? Weight क्या होता है? The force acting on any object downward या earth की तरफ is called its weight. The force acting on any object, या ये कह सकते हो कि पुल ड्यू टू ग्रेविटी, ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड इट्स वेट। तो किसी भी चीज पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको उसका वेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये अर्थ है और कोई यहां पर दूसरा मास है, तो उस मास पे डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ। इसका मास m है, अर्थ का मास m ही है, तो इस पे इधर की ओर फोर्स लगेगा और अर्थ में अर्थ उसकी तरफ फोर्स लगाएगी, दोनों में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेगा। बट ये बहुत मैसिव है तो ये इतना मूव नहीं करेगी, इसमें मूवमेंट ज्यादा होगा क्योंकि उतना फोर्स से 10 न्यूटन के फोर्स से तो बहुत चल लेगा, और 10 न्यूटन फोर्स लगाओ धरती पे आप पैर मारो तो क्या धरती खिसक जाएगी, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए फिर भी दोनों में इक्वल फोर्स लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जैसे हम वॉल पे हाथ मारते हैं या बड़े पत्थर पे, तो आप ये देख लीजिए पत्थर थोड़ा चलेगा
और अगर उस पर दूसरी कोई बॉल से मारोगे तो बॉल बाउंस बैक हो जाती है, लेकिन पत्थर थोड़ा हिलता है। फोर्स दोनों पे इक्वल लग रहा है, लेकिन जब मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होता है। खैर जो भी हो, इस पर एक फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है जी इंटू मास इंटू अर्थ का मास और अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत थोड़ी सी, इसको हमने पहले भी इग्नोर किया था, 1 और 2 मीटर का कोई खास मतलब नहीं होता है। तो ये इससे सेंटर से इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम आर ई ले सकते हैं, तो ये हमने ले लिया। मास को अलग रखो और जी एम ई और अपॉन आर ई को अलग रखो। इस चीज़ को हमने पहले कैलकुलेट कहा है और सिंबलाइज किया, इसी को जी कहते हैं एक्सीलरेशन, क्योंकि एम ए से इक्वेट किया था, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम एम कट गया था और ए ये आ गया था, तो इसलिए इसको आप एम जी भी कह सकते हो। लेकिन ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इस फोर्स को अब फोर्स नहीं कहा जाएगा, इसको वेट कहा जाएगा और इसको स्मॉल डब्ल्यू से सिंबलाइज किया जाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाई डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू से सिंबलाइज किया जाए। तो अब मैं इसको डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ, तो अगर ये अब वेट का फार्मूला हो गया, क्योंकि है वही फार्मूला, दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर इसको जी बोल दिया तो फिर इसको एम जी बोल दिया। तो कौन सा लॉ लगाया हमने? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है ग्रेविटी की वजह से, प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इस चीज को कहेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो लगाया, फिर उसके बाद जी लिख दिया, जैसे पहले डिडक्शन किया था, प्रूफ किया थोड़ी देर पहले, और उसको ये लिख दिया। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ए मास 2 kg देन वॉट इज द वेट एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर वेट क्या होगा? अच्छा, इसकी यूनिट क्या है वेट की? क्योंकि एक फोर्स है, फोर्स की जगह ही तो डब्ल्यू लिखा है, सो इट्स यूनिट इज न्यूटन, यूनिट इज न्यूटन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन, ये इसकी यूनिट है। कैलकुलेट द वेट एक्टिंग ऑन 1 kg ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट। अगर 1 किलो की कोई चीज है तो उस पर अर्थ पर कितना फोर्स लगेगा, अर्थ उसे कितने फोर्स से पुल करेगी, ये 1 kg की है, तो वेट क्या होता है? एम इंटू जी, तो मास है 1 kg, तो आप 1 kg लिख लें, और जी कितना होता है? 9.8 m/s², तो 9.8 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 9.8 kg/s², केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा गया था। आपको ध्यान हो तो पीछे जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था फोर्सेस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो इसी को तो न्यूटन बोला था, तो इट इज 9.8 न्यूटन। अदरवाइज आप यूनिट ना भी लिखें तो भी चलेगा, 1 × 9.8 लिख के लास्ट में न्यूटन लिख दें। सो द वेट एक्टिंग ऑन 1 kg ऑब्जेक्ट इज 9.8 न्यूटन टूवर्ड्स अर्थ या डाउनवर्ड, क्योंकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, डाउनवर्ड, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो इसमें ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि 1 kg पे कितना वेट लगेगा। अगर कोई पूछे कैलकुलेट द वेट ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो कैसे निकालोगे? कैलकुलेट द वेट ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट, अगर वो अर्थ पर हो,
अलग अलग प्लेनेट में फिर अलग अलग वेट होता है, क्योंकि अलग अलग प्लेनेट में जी की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि हर एक प्लेनेट का मास अलग होगा, रेडियस अलग होगा, और हमने देखा है कि जो जी का फॉर्मूला होगा वो इन सब पे डिपेंड करेगा, प्लेनेट के मास और रेडियस पे। तो जब ये बदल जाएंगे तो जी की वैल्यू भी बदल जाएगी। जी की वैल्यू मून पर 1/6 होती है अर्थ की वैल्यू से, तो उसको भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। अभी हम 2 kg ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, एम जी इट इज़ 2 × 9.8 इट इज़ 19.6 न्यूटन, तो उस पर डाउनवर्ड इतना वेट लगेगा। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे कि मून पर जी की वैल्यू क्या होती है। थैंक यू बच्चों।